ये है टंगानी रेलवे स्टेशन। टंगानी रेलवे स्टेशन कमीशन किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर पैसेंजर सर्विस अभी नहीं शुरू हुई है और इंतज़ार किया जा रहा है कि जब जुलाई में बोगीबील ब्रिज कमीशन हो जाए उसके बाद ये लाइन शुरू हो जाएगी और यहाँ पर पैसेंजर सर्विस शुरू कर दी जाएगी। टंगानी का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ से हम कह सकते हैं कि सीधा डिब्रूगढ़ को कनेक्ट करेगी ये लाइन और बोगीबील ब्रिज को पार करेगी। और ये लाइन यहाँ से रांगिया जा रही है, मतलब लोअर आसाम और अपर आसाम दोनों रेलवे से कनेक्ट हो जाएंगे। और जो बोगीबील ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो बोगीबील ब्रिज एक अलग तरीके का ब्रिज है और इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें रेल कम रोड ब्रिज है, अपने आप में अनूठा है। और ब्रह्मपुत्र को ये पार कराएगा, डिब्रूगढ़ को सीधा अरुणाचल से जोड़ रहा है। एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इस लाइन को सीधा यहाँ से अरुणाचल की तरफ ये लाइन जा रही है और इसको आगे जोड़ा जाएगा। भारत सरकार का प्लान है, नेशनल प्रोजेक्ट है, स्ट्रेटजिक प्लान है कि इसको सीधा ईटानगर साथ ही साथ तवांग से जोड़ा जाए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो ईस्टर्न कमांड है उसको सीधी रेलवे से कनेक्टिविटी दी जाएगी, अरुणाचल के बॉर्डर को, अरुणाचल के तमाम जगहों को रेलवे से जोड़े जाने की जो प्रक्रिया है काफ़ी तेज़ी से चल रही है। और ये स्टेशन उसका जीता जागता नमूना है और हम कह सकते हैं जुलाई में यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन शुरू हो जाएंगी।